नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और आज की वीडियो में आपसे संवाद होगा या बातचीत होगी एक फेलोशिप के विषय में। कई दिनों से सवाल आ रहे थे और कॉल तो लगातार आ रहे हैं कि इस फेलोशिप के विषय में हमें जानकारी दीजिए। तो उन्हीं सभी सवालों और समस्याओं के समाधान इस वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो का टाइटल है गांधी फेलोशिप। जी हाँ, गांधी फेलोशिप की लास्ट डेट भी बहुत नज़दीक आ गई है और कहें तो लगभग 1 वीक बाकी है फॉर्म को भरने के लिए। तो फॉर्म को जल्दी भर दीजिए। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म कैसे भरना है ये नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको सिर्फ दो चीज़ें बताऊंगा और 20 मिनट का लगभग वीडियो होगा। पहली चीज़ कि आखिर गांधी फेलोशिप अन्य प्रकार की फेलोशिप से किस प्रकार डिफरेंट है, और इस फेलोशिप को करते वक्त आपको क्या क्या लाभ होगा और कैसे अलग होती है, और एज अ फ्यूचर आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। और ये वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो हिंदी माध्यम के हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में वेबसाइट पर लोगों के पास बहुत से यूट्यूबर ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन ये वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं या करना चाहते हैं। तो हिंदी माध्यम में कुछ जानकारी आपसे मैं शेयर करूंगा, और वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे जो भी आपको लगे ये आपको तय करना है। मेरा काम है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और जो अनुभव है कुछ लोगों का मेरे पास, वो मैं आपसे शेयर करूँ। सबसे पहली चीज़, गांधी फेलोशिप को अप्लाई वही करेगा जो अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में है या फिर अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में है, यानी कि यूजी और पीजी के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पास हो चुके हैं ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट वे अप्लाई नहीं कर सकते, वे भी अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट है 16 मार्च 2021। फॉर्म भरने का कोई भी फीस नहीं लगती है, कोई भी पैसा लगता नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉर्म के 3 से 4 स्टेप होंगे, हर किसी स्टेप को बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि उन्हीं किसी एक स्टेप में आपको एंट्रेंस भी देना है। कुछ सवाल पूछे जाएंगे, सवाल के जवाब देने हैं, और सवाल के जवाब आप जिस तरीके से देंगे, जिस अंदाज में देंगे, वही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन सेकेंड राउंड में होगा या नहीं होगा। इस बात का भी आप सभी ध्यान रखिएगा। हिंदी और अंग्रेजी भाषा की कोई बाउंडेशन नहीं है इस फेलोशिप प्रोग्राम में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ कि कुछ मैं सब्जेक्ट बताऊंगा अभी आपको, पहले आप ये सुन लीजिए कि होती क्या है ये फेलोशिप। पहली चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यह एक प्रकार की रेजिडेंशियल फेलोशिप प्रोग्राम है। रेजिडेंशियल यानी कि आप इसको फुल टाइम करेंगे, और दूसरा एक निजी स्थान विशेष पर रहकर आप इस फेलोशिप के दौरान काम करेंगे। और क्या काम करना है, कैसे करना है, वह मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, ठीक है। याद रखिएगा, रेजिडेंशियल फेलोशिप है, फुल टाइम फेलोशिप है, और ये फेलोशिप और फेलोशिप की तरह इस तरीके से नहीं है कि आपको कुछ टॉपिक या कुछ प्रोजेक्ट कुछ काम दे दिया जाए, उसको ग्रुप में या इंडिविजुअली आप कहीं बैठकर कहीं रहकर करें और फिर जाके संस्थान में सबमिट कर दें उस प्रोजेक्ट या काम को। ऐसा नहीं होता है इस फेलोशिप में, याद रखिएगा। यदि आपने नाम सुना होगा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का, ठीक है, मैंने भी उस पर कई वीडियो बनाए हैं, आप लोगों ने भरा भी है, एंट्रेंस इंटरव्यू चल रहे हैं उसके। और जिसको किसी को भरना हो अजीम प्रेम जी का फॉर्म, तो उसकी डेट अभी बाकी है, 21 तारीख उसकी लास्ट डेट है, 21 मार्च फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। जिस प्रकार का कामकाज अजीम प्रेम जी में टीचर्स, टीचर एजुकेटर और एसोसिएट करते हैं, उसी तरीके का मिलता जुलता काम ही गांधी फेलोशिप में होता है। अगर आपको नहीं पता है जीम प्रेम जी क्या है, तो वीडियो के लिंक मैं आपको दे दूंगा, मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आते हैं वीडियो पर कि रेजिडेंशियल फेलोशिप है तो आपको रहने का और आने जाने का पैसा देगा संस्थान, और साथ ही साथ मंथली भी कुछ पे आपको देगा, ठीक है। लेकिन फुल टाइम फेलोशिप है, आप ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, 2 साल का ये फेलोशिप प्रोग्राम कर लीजिए कंप्लीट, ठीक है। और कंप्लीट करने के बाद पुनः 2 साल के बाद अपना मास्टर्स कोर्स या जो भी कोर्स करना चाहते हैं कंटिन्यू कर सकते हैं, दोबारा जॉइन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि इस फेलोशिप कार्यक्रम में केवल केवल 26 साल एज वाले व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं, यदि आपकी उम्र 26 साल से ज़्यादा हो जाती है या हो चुकी है, तब आप इस अप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ठीक है। अलग से इन्फॉर्मेशन मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विषय में भी दूंगा, जो एक प्लेसमेंट आई है, और साथ साथ
इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन और सवाल जवाब किए जाते हैं अजीम प्रेम जी के इंटरव्यू में, मैं उसकी भी आपसे बात करूंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बिना किसी लाग लपेट के लपेटते हुए चीज़ों को नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। 2 साल का है, रेजिडेंशियल है, आपको किस स्थान पर और कब से रहना है इसकी जानकारी आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद प्राप्त होगी, ठीक है। फिर मैं आपको उन 10 से 12 पॉइंट्स के विषय में बताऊंगा, बिंदुओं के विषय में बताऊंगा, विषय के बारे में बताऊंगा जिसको लेकर आपको कामकाज करना होगा और आपको वह कामकाज आगे भी शिफ्ट करना है लोगों में, और कैसे करना है मैं वह भी बताऊंगा, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि यह फेलोशिप, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, गांधी फेलोशिप, तो गांधी जी के ही सिद्धांतों को लेकर यह फेलोशिप कार्य करती है, इस बात को समझ लीजिए। गांधी जी के 2 सिद्धांत हैं, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड एंड सेकेंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर रिफ्लेक्शन इन एक्शन। अब गांधी जी के यदि आपने रचनात्मक कार्यक्रम पढ़े हैं, ये किस सूत्री जो कार्यक्रम है, तो आप बेहतरीन तरीके से इस फेलोशिप के दौरान काम काज के करने के डिज़ाइन तरीके को बेहतरीन तरीके से समझ भी सकते हैं और उसको आगे डेवलप भी कर सकते हैं अपनी थिंकिंग और अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार, इस बात का याद रखिएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि गांधी का अध्ययन करने वाला ही इस फेलोशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट होगा या अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है। गांधी को समझना और पढ़ना आज भी लोग जारी रखे हुए हैं। अब गांधी को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, ये जरूरी नहीं है। अब गांधी की कही गई बातों का, सिद्धांतों का, विचारों का अपने जीवन में कितना उपयोग करते हैं और ग्राउंड में उसका उपयोग कैसे करवा सकते हैं, इस चीज़ में आप गांधी को जीवित रख सकते हैं, ठीक है। और चलते हैं आगे कि यह फेलोशिप मेन काम क्या करवाती है, थोड़ा उसको समझ लीजिए। कि बहुत से आप YouTube पे भी सर्च कर रहे होंगे कि आखिर है क्या गांधी फेलोशिप, बहुत सारा की फेलोशिप है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये रेजिडेंशियल फेलोशिप है, ठीक है, आपको रहकर कार्य करना है, तो इसमें आपको सीखना क्या होगा, ठीक है, क्या सीखने को मिलेगा, आप इसमें बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे। अब मैं आ रहा हूँ अगले पड़ाव पे, कुछ पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, एक एक करके। लीडरशिप प्रोग्राम, मंथली वर्कशॉप, बूट कैंप, KBTNM, ठीक है, एक टी एम हो गया था, टी मतलब दी, KBTNM। अगला है लर्निंग जर्नी, फील्ड सपोर्ट, कम्युनिटी इमिनेशन, क्लासरूम इम्प्रेशन, गवर्नमेंट सिस्टम एंड विपश्यना, डिबेट्स वन ऑन वन, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को लेकर आपको 2 वर्षों तक काम करना है और आपको सीखना सिखाना भी। अब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। जब आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, आपको एक शब्द मिलेगा लीडरशिप, लीडरशिप प्रोग्राम, लीडरशिप मैनेजमेंट, लीडरशिप वर्क, लीडरशिप फील्ड, टीम, ये सब मिलेगा आपको, ठीक है। इसका संबंध क्या है? नेतृत्व, नेतृत्व की क्षमताओं को पैदा करना, और यदि आप में ये क्षमताएं हैं तो उसको और बड़े स्तर पर लोगों के सम्मुख लेकर जाना, यही इस प्रोग्राम में है, लीडरशिप, नेतृत्व करने की क्षमता। क्योंकि यदि सेना का सेना नायक ही कमजोर साबित होगा तो सेना कोई भी युद्ध ना जीत सकती है और बड़ी बेशर्मी के साथ, शर्मिंदा के साथ परास्त भी होगी। इसीलिए इस फेलोशिप में आपको लीडरशिप इन बिल्ड आपके अंदर कैपेसिटी को डेवलप किया जाता है, इस चीज को रखिएगा, ठीक है। मंथली वर्कशॉप, जब आप कार्य करेंगे इसमें, हर महीने के अंत में आपकी एक वर्कशॉप ली भी जाएगी और आपको एक वर्कशॉप देनी भी है। देनी कहाँ है वर्कशॉप, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन लेना है वर्कशॉप में कि जो आपसे सीनियर हैं, जो इस फेलोशिप प्रोग्राम को कर चुके हैं, जो इसमें कार्यरत हैं, आपके सीनियर हैं, जो इसमें कार्यरत संस्थाओं के मेंबर हैं, उनसे आपको सीखना समझना होगा एजुकेशन फील्ड में हो रहे डेवलपमेंट को, सोशल वर्क की फील्ड में हो रहे डेवलपमेंट को, सोसाइटीज़ में किस प्रकार के चेंज हो रहे हैं, खासकर साइकोलॉजिकली एंड सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर, ठीक है। आप बच्चों में इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली थिंकिंग को कैसे डेवलप कैसे कर सकते हैं, बच्चों में इस थिंकिंग को बिल्ड कैसे कर सकते हैं, इसकी समझ और इसकी सीख आपको मिलेगी इन मंथली वर्कशॉप प्रोग्राम के अंतर्गत।
और साथ ही साथ आप सोसाइटी के सिस्टम को कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे अगर कहीं आप गलत होते देखते हैं सोसाइटी के सिस्टम में तो उसको आप किस तरीके से, किस पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर, अपने किस दृष्टिकोण से आप उसका सोल्यूशन दे सकते हैं, इसकी भी वर्कशॉप में आपको जानकारी दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट था बूट कैंप। बूट कैंप का मतलब है, क्योंकि अब इस वीडियो का पार्ट है कि इस फेलोशिप में आपको क्या क्या करने को और सीखने को मिलेगा, उसका ये तीसरा पड़ाव है लीडरशिप, पहला, दूसरा मंथली, तीसरा है बूट कैंप। बूट कैंप का मतलब है आपको संस्था की तरफ से, संस्था के कुछ लोग और आपके साथ कुछ आपके कलीग्स फेलो मिलकर किसी संस्थान विशेष पर जाएंगे कुछ वीक और कुछ मंथ के लिए, वहाँ उस गाँव समाज में लोगों के बीच में रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके कल्चर को समझेंगे, उनसे सीखेंगे और उनको सिखाएंगे भी, क्योंकि सीखने सिखाने की परंपरा ही भारतीय प्राचीन समय से चली आ रही है और ये जो विनिमय की जो प्रणाली रही है, विनियोजन की जो प्रणाली रही है, वह ऐतिहासिक ग्रंथों में भी है। सोशल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। यदि आपने सिविक्स या फिर नागरिक शास्त्र जिसे बोलते हैं, इसका थोड़ा सा अध्ययन वगैरह किया होगा तो आप मेरी बात को फटाक से समझ जाएंगे, क्योंकि जब किसी समस्या से कोई समाज ग्रस्त होता है तो उसका समाधान आपको सामूहिक रूप में खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, एक लंबे समय के लिए आपको उसका समाधान देना पड़ता है। पर इन सब चीजों की ट्रेनिंग वर्कशॉप के बाद आपको इन बूट कैंप में अप्लाई करनी होगी, क्योंकि ट्रेनिंग में तो आप सीख जाएंगे कि सोसाइटी में क्या क्या बदलाव करना है, कैसे करना है, लेकिन उसको ग्राउंड पर उतारने के लिए आपको अगले स्टेप बूट कैंप का सहारा लेना पड़ेगा। अगला मैंने आपको बताया था KBTNM, यानी के कौन बनेगा द न्यू मिलेनियर। पैसे वाला मिलेनियर नहीं है, आप सोसाइटी में रहते हुए कैसे नए आइडियाज़ को, कैसे नई थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं और कैसे आइडियाज़ को ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड पर उतार कर उनको सोसाइटी के लिए लाभदायक बना सकते हैं। एक कल्याणकारी राज्य की, जो हमारे संविधान का भी एक अंग है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना जिसे लोक कल्याणकारी भी बोलते हैं, उसको कैसे बनाए रख सकते हैं और यदि ऐसी कुछ संस्थाओं को आप अपनी जिम्मेदारी के खड़ा करते हैं तो उसी कंडीशन में आपके साथ ये शब्द जुड़ा है बिलेनियर, यानी क्या नहीं, बिलेनियर के लिए, मिलेनियर के लिए। अगला पॉइंट है लर्निंग जर्नी। इस कार्यक्रम के दौरान आपको क्या, आपने क्या सीखा, किस तरीके से सीखा, इसको शेयर करने का मौका आपको कई मंचों से मिलेगा, कई पड़ावों से मिलेगा और कई प्रकार के अपने 20-22 साल के अनुभव को शेयर करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि हम किताबों से इतना नहीं सीख पाते हैं जितना हम दूसरों की ज़िंदगी से, दूसरों के अनुभव से हम लोग सीख सकते हैं। और ये सीखने सिखाने की समझ एक समुदाय विशेष में रहकर आप बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं और उसको आगे ट्रांसफ़र एंड शिफ्ट भी कर पाते हैं। अगला इसका पॉइंट है, आपको मिलेगा फील्ड सपोर्ट। इस फेलोशिप कार्यक्रम के दौरान, जैसे कि मैंने बताया कि अदर फेलोशिप की तरह नहीं है कि इंडिविजुअली कोई आपको प्रोजेक्ट, कोई आपको वर्क, कोई टॉपिक दे दिए जिस पर आपको काम करना है कहीं बैठकर और साल के अंत में, 2 साल में जाके अंतिम 24 महीने में आपको काम जाके सबमिट कर देना, ऐसा नहीं है। आपको इसमें कम्युनिटी में, समुदाय में रहते हुए अपने कार्य को कुछ कुछ डिवाइड करना होगा, पार्ट्स पर अपने काम को करना होगा। हर चीज़ आपके अनुसार सही हो ये भी जरूरी नहीं है और हर चीज़ को करने के लिए किसी की हेल्प लेना पड़े तो ये किसी भी हाल में गलत नहीं है। तो कम्युनिटी का क्या योगदान होता है, जिसे बोलते हैं स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में टीम वर्क। टीम के माध्यम से जब कोई कार्य किया जाता है तो कार्य की सफलता का जो परसेंटेज है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब कोई एक व्यक्ति विशेष किसी कार्य को नहीं कर पाता है तो दूसरे व्यक्ति का सपोर्ट या सहारा उस कार्य को मजबूती प्रदान करता है और किसी व्यक्ति का मॉरल डाउन होने से बचाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगले पॉइंट हैं, इसमें कम्युनिटी क्लासरूम एंड गवर्नमेंट सिस्टम इम्प्रेशन, यानी कि समाज को लेकर और समाज की जो सोसाइटी बने, जैसे सिविल सोसाइटी होती है और गवर्नमेंट सिस्टम, इन तीनों चीज़ों को लेकर आपका क्या इम्प्रेशन, क्या प्रभाव है और आप क्या सीखते समझते हैं इन चीज़ों से, समुदाय से और एक विशेष समाज वर्ग से और सरकारी सिस्टम से जो क्या सोचती समझती है इस प्रकार के कार्यक्रम को लेकर। क्योंकि जब आप अपने आसपास के माहौल में, आसपास के शहर में किसी सामाजिक कार्यकर्ता को देखते हैं, किसी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को देखते हैं या फिर किसी समाज सेवी को देखते हैं या किसी
आंदोलनकारी को देखते हैं या आंदोलनजीवी को देखते हैं? आपने ग्रेटा थम्बर्ट का नाम सुना होगा, ठीक है ना? क्या काम करती हैं, या आपने जाना भी होगा, बहुत जगह चर्चित भी है। और आपने मलाला यूसुफजई का भी नाम सुना होगा, आपने कैलाश सत्यार्थी का भी नाम सुना होगा, आपने अरविंद गुप्ता जी का भी नाम सुना होगा। ये सब वह व्यक्ति विशेष हैं, अभी लगभग जीवित हैं सभी जितनी मेरी जानकारी है, जो समाज सोसाइटी के लिए काम करते हैं, लेकिन उसी समाज सोसाइटी में रह ते भी हैं, अपने आप को उनके लिए प्रस्तुत भी करते हैं। तो इस तरीके के लोग भी हैं आपके आसपास, और आप भी यदि इस प्रकार का इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके प्रति सरकारी सिस्टम का, समाज का और एक समुदाय विशेष का क्या दृष्टिकोण है, और उनके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, यह भी सीखने समझने का मौका इसी फेलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत आपको 2 साल में सीखने समझने का मौका मिलेगा। अगला चीज है, इसमें 3 चीजें छूट गई हैं अभी, या रह गई हैं, विपश्यना, डिबेट, वन ऑन वन, ठीक है, सॉरी डिबेट नहीं है, डिफरेंस्ट है, ठीक है, डिबेट्स हो गया, वो डिफरेंस्ट है, ठीक है, उसको अभी डिस्क्राइब, विपश्यना। यदि आप थोड़ा रिलीजियस को समझते हैं, पढ़ते हैं, या मानना ना मानना अलग चीज है, ठीक है, मैं भी पढ़ता हूँ, मानता बहुत कम हूँ। विपश्यना जो कॉन्सेप्ट है, जो धारणा है, ये आई है बुद्धिज्म से, ठीक है, बुद्धिज्म से, यानी से बौद्ध अध्ययन बोलते हैं, बौद्ध दर्शन बोलते हैं, एक होता है जैनिज्म, एक होता है बुद्धिज्म। जैनिज्म से आया है प्रेक्षा ध्यान, और बुद्धिज्म से लिया गया है विपश्यना। इसमें क्या होता है, जब आपने अष्टांग योग का नाम सुना होगा, ऋषि पतंजलि का नाम सुना होगा, तो आपने योगासनों के विषय में सुना होगा। और वर्तमान समय में यदि दुनिया में एक नाम बड़ा चर्चित है, तो वह नाम है स्वामी रामदेव का, जिन्होंने योग को विश्व पटल पे स्थापित भी किया है, एक वैज्ञानिक तरीके से स्थापित किया है। तो उसी योगा के समकालीन कह लीजिए, या उससे अति प्राचीन कह लीजिए, जो शोध का विषय हो सकता है, उसी से मिलता जुलता कहें, या फिर करने की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है विपश्यना की। स्वयं के भीतर का आंतरिक ज्ञान प्राप्त करना विपश्यना नहीं है, आप विपश्यना के माध्यम से अपना साइकोलॉजिकली स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं, अपनी मेंटली, अपनी अपनी मानसिक क्षमताओं का विकास किस प्रकार से और ज्यादा कर सकते हैं, आप किसी वस्तु पर, व्यक्ति पर, कार्य पर, किसी प्रोजेक्ट पर कैसे अपना ध्यान ज्यादा सकारात्मक रूप से केंद्रित कर सकते हैं, कैसे अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप एकाग्रचित हो सकते हैं, और किस प्रकार से आप अपनी क्षमताओं का प्रयोग सही दिशा में कर सकते हैं, इन सभी की समझ, या कहें केंद्र बिंदु है विपश्यना। यदि आप विपश्यना का अभ्यास करते हैं, कि विपश्यना एक ध्यान की प्रक्रिया है, एक ध्यान की विधि है, इस बात को समझ लीजिए। स्वयं के भीतर झांकना, ब्रह्म की प्राप्ति करना, दिव्य शक्ति की बात करना, मैं इसकी बात नहीं करता हूं, क्योंकि आज का युग वैज्ञानिक युग है, वैश्वीकरण के दौर में हम जी रहे हैं, तो आज के ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में हैं, आप किसी भी प्राचीन तकनीक हो या आदिकालीन प्रक्रिया हो, प्रविधि हो, उसका प्रयोग आज 21वीं शताब्दी में हम कैसे कर सकते हैं जीवन में, मानव के लिए यह बहुत जरूरी है, और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाती है विपश्यना। एक और कॉन्सेप्ट था, आपने, मैंने बताया था अभी आपको डिफर्ट, जिसे डिबेट मैंने बोल दिया था, उसमें ये होता है, हाँ, डिफ्रिप्स, यानी कि अपनी चीजों को, गलत है तो गलत, सही है तो सही, उसको एक्सप्लेन करना संबंधित विषय के साथ और संबंधित व्यक्ति के समक्ष, और वन ऑन वन में होता है सीधा सीधा, आप लोगों से संवाद किस तरीके से, किस प्रकार से करते हैं, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि सामने वाला आपकी चीजों को समझ पाता है या नहीं। क्योंकि आपको ऐसा नहीं होगा, नहीं कर सकते हैं कि आप तो क्लास में या किसी समाज विशेष के सामने अपनी बात रखकर चले गए, और आपको लगा सामने वाले ने सुना समझा, सुनता जरूर है हर कोई, लेकिन समझे ये जरूरी नहीं है। इसीलिए गांधीयन फेलोशिप में आपको ये भी बताया जाएगा, ये भी सिखाया जाएगा, और आपसे ये भी उम्मीद की जाएगी कि आप जो बातें लोगों के समक्ष रख रहे हैं, अपने आइडियाज को आप जिस प्रकार से लोगों के बीच लागू करना चाहते हैं, कम से कम लोगों की राय तो लीजिए कि वह आपसे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, इस प्रकार के आपको भूमिका रूपी कार्य करना होगा। तो इन 10-12 पॉइंट की मेन कह लीजिए, या की पॉइंट कह लीजिए, जो आपको गांधी फेलोशिप के दौरान सीखने समझने का मौका मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। गांधी फेलोशिप क्या होती है, क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन कर सकता है, किस प्रकार से कर सकता है, ये सभी जानकारी
थोड़ी बहुत मात्रा में जो भी मेरे पास थी आपको देने का प्रयास किया। अब चलता हूं वीडियो के दूसरे पार्ट पे, जो कि बहुत छोटा पार्ट होगा, इंटरव्यू के क्वेश्चंस। ठीक है, सवाल ये है, क्योंकि 16 या 17 मार्च से, शायद 17 मार्च ही है, 17 मार्च से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं गांधीयन फेलोशिप में, क्योंकि एंट्रेंस लगभग हो चुका है बच्चों का। जैसे जैसे फॉर्म भर रहे हैं एंट्रेंस हो रहा है, रिजल्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है इंटरव्यू के लिए। बहुत जगह से मेरे पास भी मेल आए और आज भी लगभग 4 लोगों का कॉल आया। तबीयत बहुत ख़राब तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ठीक भी नहीं कहूँगा अपनी, लेकिन मन नहीं था वीडियो बनाने का, सोच रहा था कल आपको दूंगा। ठीक है, लेकिन जब फ़ोन कंटिन्यू आ रहे तो हो सकता है कि लोगों को ज़रूरत भी होगी। ठीक है, सीधा चलते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन पर। ठीक है, अब इंटरव्यू में देखिए क्या हुआ। जब आपने फॉर्म के अंदर अपनी क्वालिफिकेशन भरी, अपनी पर्सनल डिटेल भरी, अपनी एकेडमिक यानी कि प्रशासनिक पढ़ाई लिखाई के विषय में बताया आपने, चाहे ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है, वो सब आपने बताया। उसके बाद आपसे कुछ सवाल पूछे गए होंगे, कुछ आपने जवाब दिए होंगे। देखो सवाल क्या थे ये मुझे पता तो है नहीं, क्योंकि मैंने तो अप्लाई किया नहीं, ना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी एज ज़्यादा है, 26 से ऊपर है। ठीक है, 30 के प्लस हूँ मैं। और दूसरा, आपने क्या जवाब दिए मैं वह भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल इंटरव्यू में किस किस फील्ड से सवाल हो सकते हैं मैं उसके विषय में आपको बताऊँगा। ठीक है, और यदि आपके पास वह विषय यूजी और पीजी में है तब आप उसका यूज कैसे कर सकते हैं इंटरव्यू में, मैं आपको वे भी बताऊंगा। ठीक है, और यदि आपने ECA एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो किन किन एक्टिविटीज़ का आपको लाभ या फ़ायदा मिल सकता है इंटरव्यू के दौरान, मैं आपको वे भी बताऊँगा। ठीक है, चलते हैं इंटरव्यू के पार्ट पर। और याद रखिएगा, इस इंटरव्यू में, इस फेलोशिप को अप्लाई करने के लिए आर्ट्स कॉमर्स साइंस का होना वो जरूरी नहीं है कि आर्ट्स वाले भरेंगे कॉमर्स साइंस। आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट कंप्लीट हैं या पीजी कंप्लीट हैं अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ग्रेजुएट के अंतिम वर्ष में हैं या पीजी के अंतिम वर्ष में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी उम्र या लड़के हों या लड़की हों 26 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हैंडीकैप है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन सी लैंग्वेज आती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस लैंग्वेज में कामकाज होगा उस लैंग्वेज में आना आपको ज़रूरी है। अब लैंग्वेज किस कामकाज में होगा, किस भाषा में होगा, वह क्षेत्र विशेष पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलते हैं इंटरव्यू को लेकर। हाँ, सबसे पहली चीज, आप सोशल साइंस यदि बैकग्राउंड के हैं, सोशल साइंस सब्जेक्ट बोलते हैं ना, फील्ड होती है, उसके अंदर कई सब्जेक्ट होते हैं सोशल साइंस में। सोशियोलॉजी होता है, साइकोलॉजी होता है, एजुकेशन होता है, फिलॉसफी होता है, सोशल वर्क होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स भी होती है कुछ हद तक, स्टैटिक्स भी होती है, फील्ड वर्क भी होता है, अडल्ट एजुकेशन भी होती है, ऐसे कई सारे विषय होते हैं। यदि आप इन विषयों से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तब आपको कोई, या कहें कि लगभग लगभग आप पास कर जाएंगे, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप इन फील्ड के नहीं हैं तब आपको क्या दिक्कत आएगी मैं वह बता दूंगा, और सब्जेक्ट तो आपको मैंने बता ही दिए। इंटरव्यू में आपसे कुछ करंट चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, कंपल्सरी पूछा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप इलाहाबाद में हैं, इधर उत्तर प्रदेश में इंटरव्यू देते हैं, या महाराष्ट्र में इंटरव्यू देते हैं, बिहार में इंटरव्यू देते हैं, तो आपको उस राज्य विशेष की पिछले 2 से 3 महीने की सामाजिक और राजनैतिक, आर्थिक राजनैतिक, सामाजिक और शैक्षणिक इन परिस्थितियों का थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। फिर से सुन लीजिए, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और शैक्षणिक गतिविधियों में कुछ कुछ जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, इंटरव्यू में क्वेश्चन करे जाएंगे। दूसरी चीज समझ लीजिए, मेन चीज है जो सभी पर लागू होगी, चाहे आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसका क्या इफेक्ट, इम्पैक्ट एंड साइड इफेक्ट हो सकता है सोसाइटी, समाज पर, और इस प्रकार के लीडरशिप प्रोग्राम गांधीयन फेलोशिप पर क्या उसका असर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपको तय करना है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगली चीज कि प्राइवेटाइजेशन का यानी कि निजीकरण का इस वैश्वीकरण के दौर में उपभोक्तावादी संस्कृति के आलोक में इस प्रकार के कामकाज को करने में किस प्रकार की परेशानियां होती हैं या किस प्रकार की परेशानियां भविष्य में हो सकती हैं, उसको लेकर आपसे सवाल जवाब होंगे। इसको इस तरीके से समझिए जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में हर चीज़ प्राइवेट करी जा रही है, चाहे वह प्री एजुकेशन हो या मिडिल एजुकेशन हो
या हायर एजुकेशन हो या उच्चतम हायर एजुकेशन हो या रिसर्च के एजुकेशन हो, जब चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन होता है तो उसके पॉजिटिव प्रभाव भी होते हैं और नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं। उसको आप जो इंटरव्यू दे रहा है किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, समझते हैं, इसको आपको स्पष्ट करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए आप किन्हीं दो राज्यों का या दो कंट्रीज का भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिसी उत्तर प्रदेश में तो सही लागू होती है, लेकिन बिहार ने उसी पॉलिसी को सही तरीके से लागू ना करने की वजह से उस पॉलिसी के नेगेटिव प्रभाव मिलता है, तो आप ऐसे भी अपनी बातों को रख सकते हैं। या फिर एक कंट्री में कोई पॉलिसी अच्छे से कार्य कर रही है, दूसरे में नहीं कर रही है, तो जहां नहीं कर रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है बेहतरीन तरीके से, तो नॉर्मल सी बात है नेगेटिव उसका इफेक्ट ही देखने को मिलेगा। इस बात को लेकर भी अपनी बातों को स्पष्ट करिएगा, ठीक है। शिक्षा में भी अडल्ट एजुकेशन का पोर्शन जरूर समझिएगा और चाइल्ड साइकोलॉजी को समझिएगा। अडल्ट एजुकेशन एंड चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत इस प्रकार के फेलोशिप प्रोग्राम में, लीडरशिप प्रोग्राम में आप क्या सहयोग कर सकते हैं, आप क्या नया दे सकते हैं बच्चों को जहां पढ़ाने के लिए जाएंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के 5वें या 7वें मिनट में बताया था कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में जिस प्रकार के टीचर काम करते हैं, उसी की तरह का मिलता जुलता काम काज भी आपको करना होगा। स्कूल्स में जाना होगा, बच्चे की वर्कशॉप देनी होगी, बच्चों के साथ रहना होगा, उनको पढ़ाना भी होगा। लेकिन आप टीचर नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपको काम करना होगा कुछ महीनों के लिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो आपको और बच्चे से मतलब हायर बच्चे नहीं होंगे कॉलेज के, स्कूल लेवल के जो बच्चे होते हैं, खासकर 10th तक के बच्चे मान के चलिए, आपको उन बच्चों को हैंडल करना होगा, उनको समझना होगा, समझाना होगा। और इंटरव्यू में क्या हो सकता है, आप जिस प्रदेश विशेष से हैं पहली चीज, और आपने जिस विषय से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किया है उसकी बातचीत आपसे करी जाएगी। मान लीजिए आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं और आप इस फेलोशिप प्रोग्राम को करना चाहते हैं, तो हिस्ट्री वाले से तो एक क्वेश्चन कंपल्सरी किया जाएगा कि गांधी के दृष्टिकोण से और आपका दृष्टिकोण कैसे अलग है, और गांधी के इस फेलोशिप पर एक प्रोग्राम से आप क्यों जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि जब आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो फॉर्म के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछा भी जाएगा कि आप इस फेलोशिप कार्यक्रम से क्यों जुड़ना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, उसको आपको लिखकर टाइप करके देना होगा 500 से 800 वर्डों में, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो आप लिखकर देंगे ना फॉर्म के अंदर, याद रखिएगा, जब आप फॉर्म भरेंगे आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि गांधी फेलोशिप के बारे में कुछ बताइए, या फिर इस फेलोशिप के विषय में आप क्या समझते हैं। तो जो आप लिखेंगे 500 या 800 वर्ड में, एक मिनट, क्षमा कीजिए, जो आप जवाब लिखेंगे 500 या 800 वर्ड में, गांधी फेलोशिप 2008 से स्टार्ट हुई, ऐसे ऐसे इसने काम किया, इन राज्यों के इन इन जिलों में काम करता है, सोशली काम करता है, तो जो आप जवाब वहां लिखेंगे उसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कहीं सेव कर लीजिएगा या फोटो खींच लेगा, उस जवाब के लेकर भी आपसे सवाल जवाब होंगे इंटरव्यू के दौरान। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, चाहे आप ग्रेजुएट हों या पोस्ट ग्रेजुएट हों। इसीलिए फॉर्म भरते वक्त जब आप सवालों के जवाब देंगे तो अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार, अपनी इंटेलिजेंसी के अनुसार ही सवालों के जवाब दीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आपके किसी फ्रेंड ने कुछ जवाब आपको दिया, आपने उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि इंटरव्यू आपको देना है, आपके फ्रेंड को नहीं देना है, आपके उस कलीग्स को नहीं देना है जिसने आपकी हेल्प की है फॉर्म के अंदर सवालों के जवाब देने के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, इंटरव्यू में और क्या पूछा जाएगा और मेन पर्पस भी क्या है, इस चीज को समझिए कि गांधी फेलोशिप में आप काम करेंगे ना तो आपको लीडरशिप सिखाई जाएगी मूल रूप से, और उस लीडरशिप का यूज कंट्री के विकास में कैसे हो सकता है, और वह विकास, क्योंकि विकास नामक शब्द भी गांधी से जुड़ा है, लेकिन विकास गांधी ने तोड़ दिया है विकास को, गांधी कभी विकास का प्रयोग नहीं करते हैं, गांधी प्रयोग करते हैं सामाजिक विकास, धार्मिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, क्योंकि यह विकास नामक शब्द एक सिंगल रूप में, इंडिविजुअल रूप में 1960 से इस विश्व में घूम रहा है। 1960 में जब अमेरिकी प्रधान राष्ट्रपति से पूछा गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, तो वह भी समझ नहीं पाए, तो वह भी गए आचार्य विनोबा अम्बेडकर और गांधी के पास।
अब समझ के आए कि अंबेडकर ने कहा संवैधानिक विकास, विनोबा ने कहा आध्यात्मिक विकास, और गांधी ने कहा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक धार्मिक और पंचायती विकास। तो इस विकास नामक धारणा के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन होगा या हो सकता है या सवाल जवाब होंगे आपसे कि इस फेलोशिप के माध्यम से आप कैसा विकास करेंगे, कैसा डेवलप करना चाहते हैं, तब आपका जवाब सटीक होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए कि मैं अपने लीडरशिप प्रोग्राम से या राजनीतिक विकास करूंगी, सामाजिक करूंगी, आर्थिक करूंगी, धार्मिक करूंगी, संवैधानिक करूंगी, पर्यावरणीय विकास करूंगी, परमाणुक विकास करूंगी, या फिर प्रकृति के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनका संरक्षण करूंगी, किस प्रकार के विकास की धारणा को अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि इस पर्यावरणीय क्लाइमेट चेंज के अध्ययन के लिए ही 1990 में पाठ्यक्रमों में एनवायरमेंटल स्टडीज को जोड़ा भी गया था, ये भी आप समझते हैं क्योंकि 1972 के उस क्लाइमेट सम्मेलन में, पृथ्वी जिसे क्योटो प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, क्योटो सम्मेलन भी बोलते हैं, तब से धारणा उठ कर आई है। तो इस प्रकार के कार्य जो सोसाइटी समाज में कई दशकों से हो रहे हैं और आज भी हो रहे हैं, इस प्रकार के सोशल अवेयरनेस को लेकर भी आपसे इंटरव्यू में सवाल जवाब होंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में कहा था कि वीडियो बनाऊंगा लगभग 20 मिनट का, लेकिन जब मैंने क्वेश्चनों का अध्ययन किया, लोगों के मैंने मेल पढ़े, जब उनसे पूछा जाता था जो जो मुझे शेयर करते थे लोग, तो उन्हीं को मैंने कंबाइल करके एक पीडीएफ फाइल बनाया, उसको एक्सप्लेन किया और वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कौन सी बात आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई, कौन सी बात आपको समझने में दिक्कत हुई, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी भी बोला होगा तो आपको सुनने में दिक्कत रही होगी, समझने में दिक्कत रही होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को 2 या 3 बार जितनी बार देखना है देखिएगा, आपके पास रहेगी, क्योंकि इंटरव्यू आपको देना है, सिलेक्शन आपको देना है, कितना पैसा पर मंथ मिलेगा वह आपको वेबसाइट पर जानकारी मिल जाएगी। और याद रखिएगा आपको मंथली कुछ पे मिलेगा, ठीक है, आने जाने का भाड़ा अलग से मिलेगा, फ़ोन पे जो बातचीत कामकाज करेंगे उसका अलग से पैसा मिलेगा, और मंथली कुछ मिलेगा, यानी कि मंथली लगभग आपको 7 से लेकर 10 या 12 हज़ार रुपये महीना का मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप सोचिए जब आप ग्रेजुएट करते हैं उसके बाद पीजी करते हैं, तो पीजी करने के लिए लगभग 90% विश्वविद्यालय ऐसे हैं भारत में जो स्कॉलरशिप या फेलोशिप नहीं देते हैं। ठीक है, अप्लाई करेंगे प्राइवेट में तो आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ आपको मौका मिल रहा है कुछ सीखने के साथ साथ कुछ इनकम भी आपको मिलेगी, और ये सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सीखने के लिए आपके पास लीडर्स होंगे, आपके पास एक फैकल्टीज होगी, एक बहुत बड़ा एनजीओ मैनेजमेंट होगा, और विश्व के कई मुल्क इस संस्थान से जुड़े हैं, उनके साथ रहकर मिलकर काम करने का सीखने का मौका आपको मिल रहा है। इस प्रोग्राम में आप सभी शामिल होइए, और कोई सीट का लिमिटेशन नहीं है कि 10 सीटें हैं 20 सीट हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब जो करना है अपनी संवैधानिक सोच और संविधान के अनुसार कीजिएगा, और इस वीडियो के बाद शायद कल आपको एक वीडियो और मिलेगा जो कि महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप जो आई है IIM के द्वारा, उसकी मैं बातचीत करने वाला हूँ हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। ठीक है, और वह फेलोशिप क्या है, क्या उसमें इंटरव्यूज होंगे, कैसे सवाल जवाब होंगे, कितना उसका पर मंथ का मिलेगा आपको, और क्या काम करना है, कहाँ रहकर काम करना है, कितने समय के लिए है, उसकी बातचीत करेंगे, एक बड़ा वीडियो वो भी बनेगा। और तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, सवाल जवाब करते रहिए, क्योंकि सवाल करते रहेंगे तो सीखते रहेंगे, और जहाँ सीखना शुरू वहाँ जीतना शुरू। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।